नमस्कार दोस्तों, हम जीवन में मिलने वाली बार बार असफलताओं से इतने निराश हो जाते हैं और हिम्मत हार बैठते हैं, कुछ नया करने का प्रयास भी नहीं करते। दोस्तों, डॉक्टर अशोक अग्रवाल आज कुछ नया सुनते हैं जो बदल सकता है आपका कल। एक समुद्री जीव वैज्ञानिक एक बड़े टैंक में एक शार्क को रखता है और कुछ समय के बाद उसमें कुछ छोटी मछलियां जो शार्क का चारा होती है उसमें डाल देता है। शार्क झपटा करती है और उन मछलियों को खा जाती है। फिर कुछ देर बाद वह जीव वैज्ञानिक फिर से कुछ छोटी मछलियों को डालता है, शार्क उनको भी खा जाती है। शाम को इसी तरीके से फिर कुछ मछलियों को डालता है, शार्क उनको भी खा जाती है। यह सिलसिला कई दिनों तक चलता रहता है। एक दिन उस जीव वैज्ञानिक ने टैंक के बीचों बीच एक मोटी कांच की दीवार खड़ी कर ली, जिससे शार्क को आर पार दिखाई तो दे रहा था लेकिन पूरी तरह से विभाजन कर दिया था। और टैंक के दूसरे हिस्से में वो जो चारा मछली होती है उसको डाल देता है। लेकिन शार्क मछली जब उन चारा मछली को भोजन बनाने के लिए उस पर आक्रमण करती है, अटैक करती है, लेकिन उस कांच की दीवार से टकरा जाती है और उसको पार नहीं कर पाती। वह शार्क मछली दोबारा कोशिश करती है लेकिन असफल रहती है। वो एक बार फिर कोशिश करती है, वो फिर से असफल हो जाती है। कई बार प्रयास करने के बाद जब वो पूरी तरह से असफल हो जाती है, वो निराश होकर बैठ जाती है। एक दिन, दो दिन, तीन दिन, इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। फाइनली शार्क मछली ने अपने दिमाग में एक बात बिठा ली कि मैं उनको नहीं पकड़ पाऊंगी, तो उसने प्रयास करना ही छोड़ दिया। और एक दिन उस जीव वैज्ञानिक ने वो जो विभाजन था, कांच की जो दीवार थी, उसको हटा ली। लेकिन इसके बारे में शार्क मछली को नहीं पता चला। फिर भी उसने, शार्क मछली ने उन चारा मछलियों पर आक्रमण नहीं किया, क्योंकि उसने अपने दिमाग में काल्पनिक विभाजन दीवार खड़ी कर ली थी। उसको ये समझ में आ गया था कि मैं अब उनको नहीं पकड़ पाऊंगी, तो प्रयास करना ही फेल है। दोस्तों, हमारे जीवन में भी अक्सर ऐसा ही होता है। अगर कुछ महीने, कुछ दिन प्रयास करने के बाद अगर हम सफलता नहीं मिल पाते हैं, तो हम हिम्मत हार जाते हैं और प्रयास करना ही छोड़ देते हैं। जबकि यह भूल जाते हैं कि परिस्थितियां अक्सर चेंज होती रहती है। आज जो परिस्थिति है, जरूरी नहीं कि वो परिस्थितियां कल भी रहे। समय के साथ साथ परिस्थितियां बदलती रहती हैं और बदलती परिस्थिति के साथ अगर हम प्रयास लगातार करते रहें तो सफलता मिलना निश्चित है। दोस्तों, प्रयास कभी नहीं छोड़ना चाहिए। सफलता एक दिन आपके कदम जरूर चूमेगी। कभी भी अपने दिमाग में कोई भी काल्पनिक विभाजन को नहीं पैदा होना देना चाहिए। किसी भी तरीके का ऐसा अपवाद को पैदा नहीं होने देना चाहिए कि जो हमारे प्रयास को भी और सफलता को लेने में बाधा बने। दोस्तों, निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। सफलता एक दिन आपके कदम जरूर चूमेगी। उम्मीद करता हूँ यह स्टोरी आप या आपके किसी साथी जो हालात से निराश हो गए हैं, उनके जीवन में बदलाव लाने के लिए काफी महत्वपूर्ण होगी। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।